जैन दोस्तों, अदानी ग्रुप के सभी शेयर्स ने पिछले कुछ समय में इन्वेस्टर्स को अच्छा खासा प्रॉफिट बना के दिया है। साथ ही इस ग्रुप के रिसेंट लिस्टिंग अदानी विलमार ने तो कुछ ही दिनों में लोगों के पैसों को 3 गुना से भी ज्यादा कर दिया था। खैर, ये तो हो गई पुरानी बात, अब नया क्या। तो अदानी ग्रुप की एक कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस का FPO जल्द ही मार्केट में आने वाला है। हो सकता है ये FPO आपको बजट 2023 से पहले आता दिख जाए। अब आप लोगों में से ही बहुत से लोगों के मन में ये सवाल होगा कि आखिर ये FPO होता क्या है, ये काम कैसे करता है एंड आपको इससे कैसे प्रॉफिट होगा। तो सबसे पहले FPO क्या होता है ये जान लेते हैं। FPO यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, वो ऑफर है जिसके थ्रू कोई कंपनी जो पहले से ही शेयर बाजार में लिस्टेड है वो इन्वेस्टर या फिर शेयर होल्डर को नए शेयर जारी करती है, जो आम तौर पर प्रमोटर्स होते हैं। कंपनियां FPO का इस्तेमाल अपने इक्विटी बेस को डाइवर्सिफाई करने के लिए भी करती है। कोई कंपनी FPO का इस्तेमाल उस कंडीशन में करती है जब वो IPO की प्रोसेस कंप्लीट कर चुकी होती है और वो फंड रेज या फिर डेट को सेटल करने के लिए अपने शेयर को पब्लिक करने का डिसीजन लेती है। FPO कैसे काम करता है? पब्लिक कंपनियां एक ऑफर डॉक्यूमेंट के जरिए FPO का फायदा ले सकती है। FPO को IPO की तरह नहीं समझना चाहिए, ये उससे अलग है। IPO शेयर को इनिशियल लेवल पर लोगों को ऑफर करना होता है, जबकि FPO वो एडिशनल शेयर है जो कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड होने के बाद जारी करती है। कंपनी फंड रेज करने के लिए 2 तरीके अपना सकती है। फर्स्ट, फंड रेज करने के लिए लोन ले सकती है एंड सेकंड, इक्विटी सेल कर सकती है। इक्विटी के थ्रू फंड रेज के लिए कंपनी अपने शेयर्स को बेचती है। एक कंपनी फंड रेज करने के लिए IPO या फिर FPO दोनों को ही चुन सकती है। रेस किए हुए फंड से कंपनी को कितना फायदा होगा ये डिपेंड करेगा कि उस रेस किए हुए फंड का यूज कैसा किया जा रहा है। लगभग 10 महीने पहले रुचि सोया का FPO आया था जिसका FPO प्राइस अराउंड 615 से 650 रुपए का था। आज के डेट में रुचि सोया का प्राइस 1200 रुपए के अराउंड है, लगभग 2 गुना हो चुका है। अदानी इंटरप्राइजेस अब तक का सबसे बड़ा FPO लाने जा रहा है, अराउंड 20,000 करोड़ का। ये फंड 2 पार्ट में रेस किया जाएगा जिसमें 35% का रिटेल पोर्शन होगा, अराउंड 7,000 करोड़ का। FPO का प्राइस स्टॉक के मार्केट प्राइस से हमेशा ही कम रखा जाता है ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन मिल सके। एट प्रेजेंट में अदानी इंटरप्राइजेस का मार्केट प्राइस अराउंड 3600 के आसपास चल रहा है, जिसका FPO प्राइस एक्सपेक्टेड है 3000 रुपए के अराउंड आ सकता है। जैसे ही इस IPO की प्राइस एंड डेट आ जाती है मैं अपने इस चैनल के थ्रू आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल कि इस FPO में आप इन्वेस्ट कैसे कर सकते हो। तो इसमें इन्वेस्टमेंट ठीक IPO की तरह ही होता है। आप अपने ब्रोकर के पैनल पर जाकर IPO के सेक्शन में आपको FPO का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां से आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रेस्ट अलॉटमेंट एंड शेयर क्रेडिट का प्रोसेस ठीक IPO की तरह ही होता है। अदानी ग्रुप पर पहले से ही बहुत डेट है और इसको लेकर ये ग्रुप हमेशा ही लाइमलाइट में बना रहता है। बावजूद इसके पूरे ग्रुप के सारे शेयर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर FPO का प्राइस करेंट लेवल से 20% नीचे मिलता है तो इसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है। बाकी किसी भी प्रकार का कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर ले लें। फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।